में एक बार फिर आईटी की रेड पड़ी है और जिससे हड़कंप मच गया है। आजम खां के करीबियों पर आज की ये फिर रेड है, क्योंकि आजम खां जेल में हैं और उनका बेटा, उनकी पत्नी भी जेल में है। इस वक्त ये जो घर है शवेस खां का है और यहाँ इसके अंदर आईटी की टीम है। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी यहाँ लोकल के तैनात हैं। जो सुरक्षा है ये फिलहाल अब लोकल की है। हालांकि जो आईटी की टीम आती है तो उनकी सुरक्षाकर्मी, उनके जो सुरक्षा करने वाले होते हैं, वो चाहे वो सीआरपीएफ से हो या पीएससी से, वो अलग होते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हो ये उनकी गाड़ी है। इस गाड़ी को मैं आपको दिखा दूं, ये गाड़ी है आईटी के लोगों की। आप देख सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि लोगों दिखा दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये जो लोगो लगा है सामने, स्टिकर लगा है, इससे हम कह सकते हैं कि आईटी की ही टीम है जो कि अंदर है। और इस वक्त जो है वो आजम खां के जो करीबी लोग हैं उनके दर्जन भर लोगों के यहाँ छापेमारी चल रही है। और इस छापेमारी में अभी क्या निकल के आएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चूंकि छापेमारी चल रही है लोग यहाँ परेशान हैं, स्कूटी से लोग निकल रहे हैं यहाँ से, और ये जो पुलिस है लोकल उसने यहाँ रास्ते का आवागमन जो है वो सुचारू रूप से कराया है। निकल रहे हैं लोग, ये रुक भी रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ ये पुलिस की गाड़ी है, पीछे पुलिसकर्मी तैनात हैं और जो पुलिस है वो अभी इस टाइम अपना खाना खा रही है, खाना लेके आई है, सुरक्षाकर्मी बैठे हैं, ये पुलिस की गाड़ी है। तो जो आईटी की टीम है वो इस घर के अंदर है। मैं ये घर दिखा दूँ आपको यहीं से, इस घर को मैं कहूँगा अपने सहयोगी से कि इस घर को थोड़ा सा दिखाएँ, ये वो घर है। ऐसे ही दर्जनों घरों पर छापेमारी चल रही है और छापेमारी में वो दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं जो कि आजम खां के पैसों के लेन देन से हैं या आजम खां से संबंधित है, आजम खां से मुतालिक हैं, उन चीज़ों को जुटाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ छापेमारी कितनी देर चलेगी, कितना टाइम चलेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, और इसके अंदर अभी क्या निकलेगा ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन आजम खां के जो लेन देन हैं, जो उनके डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो उनके करीबी हैं, वो लोग सब आईटी के अंदर हैं, लेकिन जो आजम खां के लेन देन हुए हैं, जो उनके सहयोगियों ने किए हैं या ठेकेदारों ने किए हैं या उनके दोस्तों ने किए हैं, वो सब के सब आईटी की रडार पर हैं। डिपार्टमेंट के लोग अंदर हैं और अंदर वो सारी चीज़ों को जुटा रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए फहीम खान, रामपुर।